बाबा कौम कायद आजम मोहम्मद अली जिना। बर सगीर में मुस्लिम नशत सानिया का सबसे बड़ा रहनुमा, वो कायद जिसकी वलवला अंगेज क्यादत में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। बीसवीं सदी के सियासी उफक पर नमूदार होने वाला ये मुदब्बिर और अजीम कायद 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुआ। कराची के एक महल्ले खारादर में वाक़े वजीर मेंशन जाए पैदाइश है। चर्च मिशन स्कूल, सिंध मदरसतुल इस्लाम और लिंकन्स इन जैसे इल्मी गहवारों में उनकी फिक्री तरबियत हुई। दानिशो आगही की फरोजा राहों और सियासत के पेचोखम से गुजरता हुआ बर्रे सगीर के मुसलमानों का ये काफिला सालार अपनी कायदाना सलाहियतों, बसीरत, हिकमत दानाई और नज्म यकीन के साथ उन्हें उस मंजिल पर ले आया जहां गुलामी के धुंधल के छट रहे थे और आजादी की सुबह दरख्शां तुलू होने वाली थी। 1940 की करारदाद पाकिस्तान बर्रे सगीर के मुसलमानों की उस जिद्दोजहद का नुक्ते उरूज थी जिसकी क्यादत कायदे आजम ने तकरीबन 3 अशरों से इस तरह की थी कि वलवले जवां तर और अज़्म रासिख तर हो गया था। अब कारवाने आजादी उस मंजिल पर आ पहुंचा था जहां मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के ख्वाब को ताबीर मिलने वाली थी, जहां उस इस्लामी ममलिकत के खद्दोखाल वाजे हो रहे थे जिन्हें अल्लामा ने 1930 में मुस्लिम लीग के इजलास अलाहाबाद की सदारत करते हुए वाजह किया था। और फिर अगले 7 बरसों में हुसूल पाकिस्तान की जिद्दोजहद रोज बरोज जोर पकड़ती गई। कायदे आजम ने पूरे बर्रसगीर के दौरे किए और करोड़ों मुसलमानों के दिलों में हुसूल पाकिस्तान के लिए बेपनाह जोश वलवला पैदा कर दिया। हर जगह लोगों ने कायदे आजम की वलवला अंगेज क्यादत में पाकिस्तान के हुसूल के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का अहद किया। मंजिल हर चंद बहुत नजदीक थी मगर रास्ता कठिन। 1942 में बरतानवी हुकूमत ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा। कांग्रेस हुकूमत खुद इख्तियारी और कायदे आजम मुतालिबे पाकिस्तान की मंजूरी चाहते थे। बातचीत नाकाम हो गई। सितंबर 1944 में कायदे आजम और गांधी जी के माबेन हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफात हल करने के लिए मुजाकिरात हुए। 16 दिन तक जारी रहने वाली ये बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म हो गई। शिमला में वायसराय लॉर्ड देविल ने बर्रसगीर के सियासी रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस बुलाई और मरकज में आर्जी हुकूमत बनाने की तजवीज पेश की, मगर वजारत में मुस्लिम नशस्तों पर समझौता न हो सका। कायदे आजम का कहना था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है और सारे मुस्लिम वजीर उसी के होने चाहिए। अपने दावे के सबूत में उन्होंने आम इंतखाबात का मुतालबा किया। वायसराय ने आम इंतखाबात का ऐलान किया। 1946 में पूरे बर्रसगीर में आम इंतखाबात मुनक़िद हुए। कांग्रेस ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के मौकिफ पर इंतखाबात में हिस्सा लिया। मरकजी असेंबली में सारी मुस्लिम नशस्तें मुस्लिम लीग ने जीत ली। 1946 के आम इंतखाबात ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान बर्रसगीर के मुसलमानों का हतमी मुतालबा और कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह उनके अजीम तरीन रहनुमा हैं। कैबिनेट मिशन के बर्रसगीर के सियासी रहनुमाओं से मुजाकिरात के नतीजे में फौरी तौर पर आर्जी हुकूमत के क्याम के मंसूबे में पाकिस्तान की बुनियादें मौजूद थी। मुस्लिम लीग ने शुरू में इसे मंजूर कर लिया मगर कांग्रेस आर्जी हुकूमत में लीग के साथ मुसावी नुमाइंदगी पर तैयार नहीं हुई और उसने ये मंसूबा मुस्तरद कर दिया। 7 साल की मुख्तसर मुद्दत में कायदे आजम की सियासी बसीरत, उनके आहनी अज़्म इरादे और उनकी मुदब्बिराना और वलवलांगेज क़यादत में उठने वाले हर कदम पर मंजिल नजदीक तर आती गई।
मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय होकर आए और बिलाखिर बरतानवी हुकूमत ने बर्रसगीर के मुस्तकबिल के लिए वही हल पेश किया जिस पर कायदे आजम इतने अरसे से जोर देते चले आ रहे थे, यानी बर्रसगीर की तकसीम। तीन जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने तकसीम के मंसूबे का ऐलान किया तो कायद ने रेडियो पर कौम को यूं नवीद दी। قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک طویل سیاسی اور قانونی جدوجہد کے بعد بر صغیر میں مسلمانوں کی قائم ہونے والی مملکت پاکستان کی سرزمین پر 7 اگست 1947 کو قدم رکھا۔ عوام کا ایک جم غفیر اپنے محبوب قائد کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھا۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح انتقال اقتدار کی تقریب میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ برے صغیر کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے برطانوی حکومت کی جانب سے مملکت پاکستان کا اقتدار قائد اعظم محمد علی جناح کو سونپا۔ مملکت پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے قائد اعظم نے اپنی مختصر تقریر میں تشکر و تہنیت کا اظہار کیا اور مملکت کا اقتدار سنبھالا۔ انتقال اقتدار کی تقریب کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح اسمبلی کے باہر تشریف لائے تو عوام کا ایک ہجوم اپنے اس عظیم رہنما کے دیدار کا منتظر تھا جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو ان کی منزل سے ہمکنار کیا تھا۔ 14 اگست 1947 کو انتقال اقتدار کی یہ تقریب پاکستان کی آزادی کا اعلان تھی۔ پندرہ اگست 1947 کو برے صغیر میں مسلمانوں کی نئی آزاد خود مختار مملکت پاکستان کے ارکان حکومت کی حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی۔ وحی ربانی کی تلاوت کے بعد بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے مملکت پاکستان کے گورنر جنرل کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ پاکستان کے چیف جسٹس نے ان سے حلف لیا۔ قائد اعظم نے بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے قیام کا بیڑا اٹھایا تھا جہاں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور یہ عظیم مقصد انہوں نے اپنی زندگی ہی میں حاصل کر لیا۔ اتنی بڑی کامیابی بہت کم رہنماؤں کو حاصل ہوئی ہے۔ لیاقت علی خان نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا۔ دوسرے وزراء میں آئی آئی چندریگر، ملک غلام محمد، سردار عبد الرب نشتر اور غضنفر علی خان تھے۔ حلف برداری کے بعد مسلح افواج کے دستوں نے بابا قوم کو سلامی دی۔ اس کے بعد قائد اعظم نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ افواج پاکستان سے قائد اعظم کو جو توقعات تھیں ان کا اظہار اس تقریر میں ہوا ہے جو کچھ عرصے بعد انہوں نے فوجیوں کے ایک جلسے میں کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نئی حاصل شدہ آزادی کے اہل ہیں۔
अब आपको अपनी पाक सरजमीन में इस्लामी जमहूरियत, इस्लामी माशरती इंसाफ और इंसानी मसावात के उसूलों के अहया और फरोग की पासबानी करनी है। आप अगर ईमान, तंजीम और बेलौस फर्ज शनासी के जरीन उसूलों पर कारबंद रहे तो कोई शय ऐसी नहीं जिसे आप हासिल न कर सकें। में पाकिस्तान के चार रोज बाद 18 अगस्त 1947 को ईद का दिन था। कायदे आजम ने अवाम के साथ नमाज ईद अदा की और अपने पयाम ईद में ईमान, इत्तेहाद और नज्म व ज़ब्त की तलकीन की। बरसगीर की तकसीम के सिलसिले में हदबंदी कमीशन के बाज गलत फैसलों के बायस दोबारा फिरके वाराना फसादात फूट पड़े और कत्ल व गारत का बाजार गर्म हो गया। हिंदुस्तान से लाखों बेयारो मददगार मुस्लिम महाजरीन ट्रेनों के जरिए और पाप्यादा काफिलों की सूरत में पाकिस्तान आए। इन लाखों महाजरीन की बहाली और आबादकारी एक ऐसी नई ममलिकत के लिए जो अभी वजूद में आई हो इतना बड़ा मसला था कि अब उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, मगर कायदे आजम ने गैर मामूली अज़्म हिम्मत के साथ इस मसले से निमटने का बीड़ा उठाया। वो कराची और लाहौर में महाजरों के कैंपों में गए, उन्हें तसल्ली तशक्की दी और उनकी आबादकारी के मंसूबे शुरू कराए। इसी असना में महाराजा की जानिब से इल्हाक का सहारा लेकर हिंदुस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। अक्वामे मुत्तहिदा ने जंग बंदी करा दी। बेशुमार कश्मीरी महाजरीन आजाद कश्मीर और पाकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान की नई ममलिकत के लिए मसाइल के पहाड़ खड़े हो गए थे। कायदे आजम अपने आहनी अज्म के साथ इन मसाइल से नबरदाजमा होने के साथ साथ मामूल के उमूर ममलिकत भी बड़ी तनदेही से अंजाम दे रहे थे। 25 दिसंबर 1947 को कायदे आजम की 72वीं सालगिरह शायान शान तरीके से मनाई गई। कराची में सालगिरह की तकारीफ के सिलसिले में कायदे आजम पोलो ग्राउंड तशरीफ लाए। उन्होंने कौमी परचम लहराया और उसे सलामी दी। पाकिस्तान की तीनों मुसल्ला अफवाज के चाको चौबंद दस्ते बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह को सलामी देते हुए उनके सामने से मार्च पास्ट करते हुए गुजरे। कायदे आजम पाकिस्तान को इतना मजबूत देखना चाहते थे कि कोई उसकी तरफ बुरी नीयत से देखने की जुरत न कर सके। कौम के इस फकीदुल मिसाल मोहसिन के लिए हर शख्स के दीदो दिल फर्श राह थे और हर दिल में ये दुआ थी कि अल्लाह ताला कायदे आजम की उम्र दराज करे। कायदे आजम की जिंदगी एक अजीम जिद्दोजहद से इबारत थी जो बिलाखिर बेमिसाल कामयाबी से हमकनार थी। कयाम पाकिस्तान के बाद कायदे आजम सिर्फ कराची में बैठकर ही ममलिकत के नज्म नसक और दीगर कौमी उमूर को नहीं निमटाते रहे बल्कि मुल्क भर में जहां भी वो जरूरत समझते थे पहुंच जाते थे। उनकी सेहत इतनी मेहनत का बोझ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी, मगर मुल्क कौम की तामीर और तरक्की के लिए उनका जज्बा इतना शदीद था कि वो अपनी सेहत की परवाह किए बगैर अपनी बिसात से कहीं ज्यादा काम करते रहे। उमूर ममलिकत निमटाने के साथ साथ उन्होंने अवाम से अपना राबता बरकरार रखा। पाकिस्तान के हुसूल के बाद कायदे आजम की जिद्दोजहद खत्म नहीं हुई। अब उन्हें इस नई ममलिकत की तामीर और इसे मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए सही खतूत पर रहनुमाई करनी थी। वो सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात में भी शरीक होते और नज्म व नसक के मसाइल भी निपटाते। कौम के हर फर्द को काम करने की तलकीन करने के साथ साथ वो खुद भी अनथक मेहनत करते हैं। कायदे आजम के तदब्बुर और इंतजामी सलाहियतों के बायस एक साल से कम अरसे में पाकिस्तानी मईशत इस काबिल हो गई कि हुकूमत अपना मरकजी बैंक कायम कर सके।
1 जुलाई 1948 को बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करने तशरीफ लाए। अपनी इफ्तिताही तकरीब में कायदे आजम ने फरमाया कि मगरब के माशी निजाम ने इंसानियत के लिए लायनहल मसाइल पैदा कर दिए हैं। हमें एक मिसाली माशी निजाम पेश करना है जो इंसानी मसावात और माशरती इंसाफ के सच्चे इस्लामी तसव्वुरात पर कायम हो। ऐसा निजाम पेश करके हम मुसलमानों की हैसियत से अपना फर्ज अंजाम देंगे और इंसानियत को सच्चे और सही अमन का पैगाम देंगे। सिर्फ ऐसा अमन ही इंसानियत को जंग की हौलनाकियों से बचा सकता है और बनी नोए इंसान की खुशी और खुशहाली का जामिन हो सकता है। इसके बाद कायदे आजम ने स्टेट बैंक के दरवाजे का कुफल खोल कर रस्मी इफ्तिताह अंजाम दी। कायदे आजम की जिंदगी की ये आखिरी अवामी तकरीब थी। कायदे आजम की गिरती हुई सेहत अब जवाब देने लगी थी। उन्हें तब्दीली आबहवा के लिए बलूचिस्तान के सहर बख्श पहाड़ी मकाम जियारत ले जाया गया, जहां वो रेजिडेंसी में मुकीम रहे और उनका इलाज होता रहा। 11 सितंबर 1948 को कायदे आजम जियारत से कराची वापस आए और उसी रात अपनी जान जहां आफरी के सुपुर्द कर दी। उनके जनाजे के जुलूस में सोगवारों का एक ठाठे मारता हुआ समंदर था, जिस पर गम और अलम की घटाएं छाई हुई थी। ये उस अजीम कायद का आखिरी सफर था जिसने बर्रे सगीर में मुसलमानों के अलहदा वतन के क्याम को ख्वाब से हकीकत बना दिया था। मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह के जसद खाकी को उनकी अबदी आरामगाह में उतारा गया तो सोगवारों के दिलों का अजीब आलम था। कायद की गमजदा बहन मोहतरमा फातिमा जिनाह और बेटी दीना कब्र पर मौजूद थी। बानिए पाकिस्तान को फौज ने आखिरी सलामी दी। बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह की आखिरी आरामगाह पर उनके चहलम तक दिन रात मुसलसल फातिहा खानी और कुरान खानी होती रही। बाद में कायदे आजम के मजार पर एक शानदार मकबरा तामीर किया गया। हर रोज खासतौर पर कौमी त्योहारों और कायदे आजम के यौम विलादत और यौम वफात पर यहाँ अकीदतमंदों का हुजूम रहता है, जो फातिहा खानी के साथ पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के अज़्म की तजदीद करते हैं।